आपका क्या हाल है मुझे अब तक यकीन है कि आप लोगों की कुछ दोस्ती इस कोर्स के साथ होनी शुरू हो गई होगी हमने टीचिंग एज अ प्रोफेशन के मुतल पहले दो लेक्चर्स के अंदर काफ़ी बातचीत की है और उसके अंदर हमने वी एक्चुअली एक्सप्लोर सर्टन मेटाफर्स ऑफ टीचर्स वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड मिसकनसेप्शन इन टीचिंग लर्निंग एंड एजुकेशन और जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसके अंदर हमने क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशनल्स के ऊपर भी बात की हम एक तरफ हम ये यकीन रखते हैं कि टीचिंग इज इज अ प्रोफेशन। इट नॉट एन सो व्हेन वी दैट टीचिंग इज अ प्रोफेशन देन वी रियली नीड टू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशनल फॉर फॉर अ प्रोफेशन सो लास्ट टाइम हमने इस क्राइटेरिया के ऊपर बात की थी आज के लेक्चर के अंदर हम उसी चीज को आगे एक्सटेंड करेंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि जरूरी हैं यह जानने के लिए कि टीचिंग uh, एक प्रोफेशन है और वो किसी भी प्रोफेशन के लिए वो जरूरी प्रिंसिपल्स होते हैं लेकिन आज के लेसन के अंदर वट प्रिंसिपल्स आर देयर विच एक्चुअली हेल्प अ टीचर टू एग्जिबिट अ प्रोफेशनल बिहेवियर इसके अलावा हम स्कूल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात करेंगे तो इससे पहले कि हम आगे चलें आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड टू सी वट आर आवर लेक्चर ऑब्जेक्टिव टूडे सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन द प्रिपल्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर्स और दूसरा प्रिंसिपल दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है Ke by the end of the lecture, you will have analyzed educational, social and collegial context of a school. Chale, hum, hum start karte hai. Cheeshe, jo ke hai, principles for professional behaviors. Jab hum kehte principles for professional behaviors, so there are actually two basic principles, very simple principles. And the first one is commitment to the students.

टाइम से स्कूल पहुंचे और स्टूडेंट्स को जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा दें तो क्या ये कमिटमेंट है क्या ये कमिटमेंट है कि आप स्टूडेंट्स का ख्याल रखें क्लास के अंदर उसकी सेफ्टी का ख्याल रखें उसकी हेल्थ का ख्याल रखें और उसको पॉजिटिव इनक्रेजिंग रिमार्क्स दें ताकि वो उसकी सेल्फ इस्टीम जो है वो लोअर ना हो जाए क्या कमिटमेंट ये है क्या कमिटमेंट स्कूल के अंदर जो आपको सिलेबस दिया गया है उसको टाइम पर ख़त्म करवाना कमिटमेंट है या कोई और चीजें हैं जो कि कमिटमेंट बनाती हैं आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक ऑन द स्लाइड एंड इट सेज दैट एन एजुकेटर नीड्स टू स्ट्राइव टू हेल्प ईच स्टूडेंट रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एज अ वर्थी एंड इफेक्टिव मेम्बर ऑफ सोसाइटी लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये जो सेंटेंस है क्या यहाँ पर बात कर रहा है मैथमेटिक्स के नॉलेज की या साइंस के नॉलेज की या अंग्रेजी के नॉलेज की या किसी और किसी और तरफ इशारा कर रहा है हम अगेन इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है इसके अंदर जो मेरे लिए की वर्ड्स हैं वो ये हैं कि अ टीचर शुड हेल्प ईच स्टूडेंट इट्स नॉट रिटर्न कि एक उस्ताद को बच्चों को हेल्प करनी चाहिए इट इज़ नॉट देअर प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग दट टीचर नीड्स टू हेल्प ईच स्टूडेंट रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एज अ वर्थिंग एंड एफेक्टिव मेम्बर ऑफ सोसाइटी इसमें जो काबिल गौर बात है वो ये कि एक उस्ताद को इनफरादी तौर के ऊपर कोशिश करने की ज़रूरत है कि हर बच्चा जो है वो अपने आप का पोटेंशियल रियलाइज करे वो अपना जितना उसका पोटेंशियल है उसके मुताबिक मैक्मम लेवल तक पहुंचे हम आम तौर के ऊपर उस्ताद क्या करते हैं कि हाँ मैंने तो क्लास के अंदर पढ़ाया एंड देर वर मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो सारे बच्चे जो हैं वो एक खास लेवल पर पहुंच गए हैं ऐसा नहीं होता इसका मतलब ये है कि अगर हम हर बच्चे को उसका पोटेंशियल रियलाइज करवाने में कामयाब नहीं हो रहे सो वी आर नॉट कमिटेड टू द स्टूडेंट्स हमारी प्रोफेशनल कमिटमेंट का जो लेवल है वो हर बच्चे की हद तक होना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस टीचर रियली अप्रिशिएट्स हाई अचीवर्स और एट टाइम्स अ टीचर इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द लर्निंग ऑफ लो अचीवर्स तो उसकी तवज्जो का मरकज या तो लो अचीवर्स होते हैं और या हाई अचीवर्स होते हैं लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनका भी तो हक है उनको भी टीचर की अटेंशन की क्लास के अंदर जरूरत होती है हम उन एवरेज बच्चों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं कमिटेड टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू रेज एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स नॉट ओनली ऑफ़ फ्यू स्टूडेंट्स आई वॉन्ट यू टू लुक एट फोकस ऑन विच एजुकेटर्स वर्क इज टू स्टमुलेट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज सो so, इसके अंदर जो दो की वर्ड्स हैं जो हमें नज़र आए दैट इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज आप सबको पता है कि वी आर इंक्विजिटिव बाय नेचर बच्चा जब पैदा होता है जब बोलना शुरू करता है तो उसके बाद वो कितने हज़ार हाथ सवाल करता है हर चीज़ के ऊपर कि ये कैसे है ये ऐसा क्यों है आ, मैं बड़ा कब हूँगा मैं बड़ी कब हूँगी मैं क्या करूँगी ये सारे सवाल होते हैं क्योंकि वो इंक्विजिटिव है लेकिन जब स्कूल के अंदर बच्चा आता है तो जितने ज्यादा कोई बच्चा सवाल करता है उतनी ज्यादा आम तौर के ऊपर उसको डांट सुनने को मिल रही होती है सो बींग एजुकेटर्स वी रियली नीड टू कीप दैट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन टैक्ट रदर वी नीड टू रेज दैट स्पिरिट वी नीड टू स्टिम्युलेट दैट स्पिरिट अगर कोई बच्चे ऐसे हैं हमारी क्लासों के अंदर जो कि सवाल नहीं करते तो हमें उनको सवाल करने की आदत डालनी है अगर हम उनको सवाल करने की आदत नहीं डालेंगे तो अल्टीमेटली वो इंजॉय नहीं करेंगे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को उनके लिए हर चीज एक बर्डन हो जाएगी तो बीइंग एजुकेटर्स इफ वी से दैट वी आर वेरी कमिटेड टीचर्स देन वी रियली नीड टू रेज पोटेंशियल ऑफ ईच चाइल्ड इन आवर क्लास एंड वी नीड टू स्टिम्यूलेट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ये बात तो होगी हमारी पहले प्रिंसिपल की जो कि है कमिटमेंट टू द स्टूडेंट्स तो हम प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ प्रोफेशनल बिहेवियर तो दो प्रिंसिपल्स हमने uh, शुरू के अंदर आइडेंटिफाई किए थे एक प्रिंसिपल ये है कि हमारी कमिटमेंट टू द स्टूडेंट्स और दूसरा प्रिंसिपल है कमिटमेंट टू द प्रोफेशन अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे एक कमिटेड प्रोफेशनल के तौर के ऊपर जाहिर कर सकते हैं और कैसे डिवेलप कर सकते हैं आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक ऑन द स्लाइड इसके अंदर आप जस्ट टेक टेन सेकेंड्स टू सी वट इज देयर ऑन द स्लाइड वेन वी टॉक अबाउट कमिटमेंट टू द प्रोफेशन इसके अंदर जब हम बात करेंगे चार चीजें हैं एक तो है प्रोफेशनल जजमेंट uh, दूसरी चीज हमें नजर आ रही है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी चीज़ हमें नजर आ रही है इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज की और चौथी चीज़ है रेजिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट हम बात करते हैं एजुकेटेड नीड्स टू एग्जर्ट एवरी एफर्ट टू रेज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं जब हम कहते हैं कि टीचिंग एक प्रोफेशन है तो इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं किस किस्म का नॉलेज एक उस्ताद के पास होना चाहिए हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी एक तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर अ टीचर नीड्स टू हैव सर्टेन कंटेंट नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन वो कंटेंट नॉलेज क्या है कंटेंट नॉलेज एक तो है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके ऊपर उसको अबूर होना चाहिए अगर मैं आठवीं जमात को मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो मुझे उस आठवीं जमात का मैथ आना चाहिए इसके अलावा मुझे ये पता होना चाहिए कि मैथ को आठवीं जमात में कैसा पढ़ाया जाता है इसको हम कहते हैं पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जिस तरह से कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका कार मुख्तलिफ होता है तो अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए एक तरीका कार मुख्तलिफ होगा अगर मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो उसका तरीका कार मुख्तलिफ होगा उस तरीक के बारे में भी मुझे आगाही होनी चाहिए इसके अलावा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन आ जाती है कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि मैं स्टूडेंट्स को जो पढ़ाना चाहती हूँ वो मैं कन्वे कर सकू आई शुड गुड आई कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट्स आई शुड बी एबल टू रीड देयर वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज और मुझे खुद भी वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज देने आने चाहिए इसी तरीके से मुझे ये पता होना चाहिए कि बच्चों की लर्निंग को असेस कैसे किया जाता है और ख़ास तौर के ऊपर अगर ये मैथ्स का क्लास है मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स में किस तरीके से मुझे उनकी लर्निंग को असेस करना है तो मुझे डिफरेंट असेसमेंट मैथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए इसके अलावा मुझे ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे सीखते कैसे हैं बच्चे एक अगर मैं लैंग्वेज की टीचर हूं तो मुझे ये पता हो कि फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे कैसे सीखते हैं और सेकंड लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं और फिर फॉरेन लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं तो मुझे लर्निंग थ्योरीज के बारे में भी पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें तो साथ साथ हैं इनके अलावा मुझे रिसेंट डवेलपमेंट्स का भी पता हो जो कि मेरे प्रोफेशन के अंदर हो रही हैं उसके अंदर चाहे वो आई का यूज़ हो और चाहे वो ओपन लर्निंग रिसोर्स का इस्तेमाल हो तो मुझे इन सारी चीजों से आगाही होनी चाहिए यह तो है कि इफ आई क्लेम दैट आई एम अ प्रोफेशनल टीचर देन आई शुड कम अप टू दीज स्टैंड बट दिस स्लाइड यू अर्लियर दैट स्लाइड सेज दैट वी नीड टू रेज प्रोफेशनल इट इज नॉट अबाउट मीटिंग द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इससे हमें क्या समझ आती है कि वाई द स्लाइड सेज दैट वी नीड टू रेज द स्टैंडर्ड्स नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा सोचें कि क्यों ये मीटिंग से एक लेवल आगे है रेजिंग द स्टैंडर्ड्स की बात कर रही है उसकी एक वजह यह है कि मीट तो करना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मुझे उस लेवल तक तो आना है लेकिन अच्छा प्रोफेशनल वो होता है जो कि उससे एक स्टेप आगे जाए हम बात कर रहे थे कमिटमेंट टू द प्रोफेशन अगर मैं टीचिंग के साथ कमिटेड हूँ तो वो मेरे अपनी ज़ात तक नहीं होनी चाहिए अगर मैं उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि आई एम अ गुड प्रोफेशनल और मैंने उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर लिया है लेकिन जब मैं प्रोफेशन की बात करूँगी तो मुझे प्रोफेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना है मुझे जो एक वो लेवल है उससे लेवल एक आगे जाना है और वो मुझे लोगों से बात करनी है वो मुझे डिसमिनेट करनी है वो इन्फॉर्मेशन कि ये लेवल तो है लेकिन हमें इनको आगे और तरीके से लेकर चलना है रेज करना है उन स्टैंडर्ड्स को ये तो एक बात होगी कि जब हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं प्रोफेशन के साथ कि दैट वी एजुकेटर्स नीड टू रेज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अब हम दूसरे एक स्टैंडर्ड के ऊपर बात करते हैं जो कि है वी शुड प्रोमोट क्लाइमेट दैट एनकरेज द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ये क्यों अहम है प्रोफेशनल जजमेंट से क्या मुराद है प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब ऐसी जजमेंट जो कि एक प्रोफेशनल ही दे रहा हो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि हम सब ले मैन के तौर के ऊपर कई दफ़ा में बहुत जजमेंट्स दे रहे होते हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो उसने एक नुस्खा लिख दिया है मैंने अगर थोड़ा बहुत मुझे दवाइयों की केमिस्ट्री का पता है तो मैं ये कहूँगी कि ये डॉक्टर जो है इसने तो दवाई ठीक नहीं लिख के दी इसका तो नुस्खा बेकार है है ये एक जजमेंट वो होगी जो एक डॉक्टर ही उस नुस्खे के ऊपर दे रहा होगा मेरी जजमेंट उस नुस्खे के ऊपर नॉन प्रोफेशनल है अगर आप उसको मेडिसिन के प्रोफेशन को अपने नजर में रखें इसी तरीके से जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक उस्ताद जो है वो जो अगर बच्चे के मुतालिक कोई जजमेंट दे रहा है कि ये बच्चा स्पेलिंग्स में बहुत अच्छा है और वकेबलरी इसके पास बहुत अच्छी है लेकिन इसकी ग्रामर थोड़ी सी वीक है तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रोफेशनल जजमेंट है क्योंकि उसकी जजमेंट के पीछे एक एविडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये वाली जजमेंट दे रहा है लेकिन अगर उस बच्चे के जजमेंट कोई और दे रहा है पेरेंट्स दे रहे हैं जिनका एजुकेशन के साथ उस तरह से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है अब ये जो स्टैंडर्ड है जो कि प्रोफेशनलिज्म का है जो कि हमारी कमिटमेंट प्रोफेशन के साथ जाहिर करता है वो ये हमसे डिमांड करता है कि हमें ऐसा क्लाइमेट बनाना है जो कि प्रोफेशनल जजमेंट को प्रमोट करता है अब सवाल ये है कि ऐसा क्लाइमेट हम कैसे बना सकते हैं ऐसा क्लाइमेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्लाइमेट कैसे क्रिएट किया जा सकता है एक तरीकाकार तो ये हो सकता है कि आप पेरेंट्स के लिए ओपन डेज रखें जहाँ पे पेरेंट्स को बताया जाए कि उस्ताद का क्या रोल है एंड वट आर टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्राम पेरेंट्स वट आर टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्राम द कम्युनिटी इन दिस वे वी आर गोइंग टू एजुकेट टीचर्स एज वेल एज द कम्युनिटी हम इनडिफरेंट के ये वाला स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर सकते अगर हम ये कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाना है इट मीन वी आर नॉट कमिटेड टू आवर प्रोफेशन उस्ताद का काम सब स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना है जितने लोग भी स्कूल के अंदर मौजूद हैं हमारा हमने उनको बताना है कि वट इज द वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड हाउ कैन वी ट्रस्ट प्रोफेशनल जजमेंट एट टाइम्स ये आपने देखा होगा कि एक उस्ताद जो है वो कोई जजमेंट दे रहा होता है और उसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा होता है कि आप कौन है ये जजमेंट देने वाले उसकी रीजन ये होती है कि उस्ताद इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हर और हिज जजमेंट जब उस्ताद खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा वो आगे प्रमोट ही नहीं कर सकता तो उस्ताद को ये पता होना चाहिए हाउ टू एडवोकेट अ प्रोफेशनल जजमेंट तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम ये क्लेम करते हैं कि वी आर गुड प्रोफेशनल्स एंड वी नीड टू शो कमिटमेंट टू आवर प्रोफेशन जिसके अंदर एक बात हमने की कि वी नीड टू तो रेस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और जो दूसरी अभी बात की है कि वी नीड टू तो प्रमोट अ क्लाइमेट दैट एक्चुअली हेल्प्स इन प्रोफेशनल जजमेंट अब हम तीसरी चीज के ऊपर जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए रिलेटेड टू कमिटमेंट टू द प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज इससे मुराद ये है कि हमें टीचिंग कैरियर को एडवोकेट करना है अनफॉर्चुनेटली हमारा अपना सेल्फ इमेज भी यही होता है कि हमें किसी और जगह के ऊपर एडमिशन uh, नहीं मिला वी कुट इन मेडिसन इंजीनियरिंग और कम्प्यूटर साइंसिस दैट्स वाई वीव कम इन टू टीचिंग हमें अपना सेल्फ इमेज भी चेंज करना है और हमें दूसरों का भी इमेज चेंज करना है रिगार्डिंग टीचिंग एज अरियर हमें एडवोकेट करना है कि मेक टीचिंग योर फर्स्ट करियर ऑप्शन तो जब तक हमारा अपना इमेज नहीं चेंज होगा हम दूसरों को इस पे कन्विंस नहीं कर सकते सो बींग टीचर्स वी नीड टू बींग प्रोफेशनल वी नीड टू एडवोकेट टीचिंग एज अ कैरियर अब हम फोर्थ के ऊपर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर रिलेटेड टू प्रोफेशनल कमिटमेंट एंड दिस सेज दैट वी नीड टू असिस्ट इन प्रिवेंटिंग द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन बाई अन क्वालिफाइड परसन से क्या मुराद है अन क्वालिफाइड का मतलब ये है कि वो लोग टीचिंग कर रहे हैं जिनके पास कोई एजुकेशन के अंदर डिग्री नहीं है दे है डन बी एड और एम एड बट दे आर टीचिंग एंड दे आर कंसिडर्ड गुड टीचर्स हमें इस तरह की प्रैक्टिस को ख़त्म करना है या कम से कम हमें आवाज़ ही उठानी है कि ये अन लोग हैं की बजाय उन लोगों को रखा जाए उन लोगों को जॉब्स दी जाए जो कि क्वालिफाइड हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इफ यू वॉन्ट टू बी टीचर्स देन यू नीड टू गेट अ डिग्री बट अनफॉर्चुनेटली इन प्राइवेट सेक्टर्स एंड स्पेशली इन स्कूल्स इन स्ट्रीट स्कूल्स देयर आर मैनी टीचर्स हु आर अनकालीफाइड हम मैट्रिक एफ ए के बाद टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं एज अ रिजल्ट देयर इज नो एजुकेशन एक्चुअली इन स्कूल्स देयर इज ओनली स्कूलिंग बट नो एजुकेशन so if we say that we are professionals we are professional educators then we need to show our commitment to the students and we need to show commitment to our profession we need to raise professional standards we need to promote a climate that encourages exercise of professional judgment we need to advocate career teaching career and we need to stop practices of unqualified people

स्कूल किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है या स्कूल की स्कूल uh, को क्या चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए तो so, इन वीडियोस को एहतियात से देखें ध्यान से देखें एंड ट्राई टू पिक पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट वीडियोस। सबसे पहले तो बच्चों को हम इसलिए स्कूल भेजते हैं कि दे बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग उनको राइट और रॉन्ग का पता चले बच्चों के स्कूल भेजने का एक और मकसद भी है कि दे कैन गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज द मोर एजुकेट यू आर आप उतनी ही बेहतर जॉब हासिल कर सकते हैं अपनी एजुकेशन की बदौलत तीसरी वजह बच्चों को स्कूल भेजने की ये है कि दे देर आर लॉट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज इन स्कूल बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं स्कूल में द चाइल्ड लर्नस टू लिव विद विनिंग एंड लूजिंग आ, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है स्कूल से Uh, मेरा एक बेटा है क्लास थ्री में और क्लास वन से वो स्टेज प्लेस भी कर रहा है टीचर्स भी कर रहा है बचपन से ही बच्चे में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है स्कूल की बदौलत मुझे स्कूल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर पेंटिंग होती है के साथ कलर होता और डांटे, डांटे है और टीचर्स नहीं डांटते थोड़ा डांटते हैं मुझे टीचर इसलिए अच्छी लगती हैं प्यार से बात करती हैं और टीचर्स को डांटना नहीं चाहिए प्यार से बात करना चाहिए स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे को मौका मिलता है अपनी डेवलपमेंट का सोशली फिजिकली उसमें मेंटली उसकी डेवलपमेंट आ जाती है इवन एथिकली भी और स्कूल के अंदर टीचर का जो रोल है वो यही है कि उस पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जहाँ पे वो हर तरह की डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो टीचर ने ही बच्चे को साथ लेके चलना है कि उसकी ये हर तरह की डेवलपमेंट हो जिसमें सोशली फिजिकली एथिकली कोगनेटिव डेवलपमेंट एक बच्चे की जो है वो आती है बच्चे जब न्यू एडमिशन में आते हैं तो बच्चे जो हैं वो आ, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं स्कूल जाने को दिल नहीं चाहता क्योंकि वो एक नई कह सकते हैं कि जिंदगी शुरू करने जा रहे होते हैं स्कूल के अंदर तो टीचर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट बच्चे को इस तरह का दे कि वो सोशली जो है दूसरे बच्चों के साथ इस तरह से अटैच हो कि उसकी लर्निंग भी मतलब साथ साथ हो और उसका दिल भी चाहे कि वो स्कूल में आके जो है वो पढ़े और यही नहीं कि बच्चों को स्कूल के अंदर जो है सिर्फ सिलेबस की बुक्स ही पढ़ाई जाए बल्कि इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराई जानी चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर जो है उन उनकी क्रिएटिव थिंकिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सो so, आपने इन वीडियोस के अंदर देखी तीन चीजें जो कि मैंने नोट की इन वीडियोस से एंड आई हैव पुट देम ऑन दिस स्लाइड द फर्स्ट वन इज स्कूलिंग टू बी इफेक्टिव एज अ ग्रुप ओरिएंटेशन अबाउट इट आपने देखा कि यहाँ पे जो टीचर्स बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे ग्रुप ओरिएंटेशन है स्कूल के अंदर लोग हैं स्कूलिंग इज नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन टीचिंग वन पर्सन एक आपने सुना होगा अप्रेंटिसशिप मॉडल अगर आप किसी वर्कशॉप के ऊपर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई एक बच्चा है जो कि एक उस्ताद से ट्रेनिंग ले रहा होता है दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप मॉडल कि एक उस्ताद है और एक बच्चा है वो जो कुछ उस्ताद को आता है वो सारा का सारा उस बच्चे को सिखा देता है सो दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल के अंदर अप्रेंटिसशिप नहीं है स्कूल के अंदर ग्रुप ओरिएंटेशन है और अच्छा स्कूल वही होता है जिसके अंदर ये ग्रुप ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो दूसरी चीज मैंने इन, इन इंटरव्यूज से गैदर की वो ये कि स्पीकर्स ने कहा कि एक्चुअली स्कूल्स आर कंपोज ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कमिंग फ्राम डिफरेंट सेक्ट्स कमिंग फ्राम डिफरेंट क्लासेस कमिंग फ्राम डिफरेंट रिलीजन एंड दे होल्ड डिफरेंट इकनॉमिक बिलीफ एज वेल तो ये सारी चीजें हमें स्कूल के अंदर नजर आती हैं हम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी थिंक कि हमने स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म लगा दिया है तो थॉट्स के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी आ जाए ऐसा नहीं होता बच्चे एक जैसा लिबास जरूर पहन रहे होते हैं पर उसका ये मतलब नहीं है कि दे आर एक्चुअली यूनिफॉर्म दे आर अ लाइक दे आर नेवर अ लाइक दे आर डाइवर्स पीपल इसी तरीके से स्कूल के हवाले से हमें तीसरी बात सामने नजर आई कि स्कूल्स का एक अपना करिकुलम होता है तो ये जो तीन चीजें हैं स्कूल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें नजर आती हैं अब हम देखते हैं कि इनको डिफरेंट एजुकेशनिस्ट जो हैं या डिफरेंट रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या नाम दिए हैं तो इनको जो तीन मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं इस स्कूल जो है उसके तीन कॉन्टेक्ट होते हैं द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज एजुकेशनल सेकेंड वन इज सोशल थर्ड वन इज कॉलेजियल एजुकेशनल कॉन्टेक्सट क्या है आपके जहन में क्या बात आती है आमतौर के ऊपर जब आप किसी से भी बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भिजवा रहे हैं तो उनका जवाब ये होता है ताकि ये पढ़ लिख सकें पढ़ने लिखने से क्या मुराद है पढ़ने लिखने से मुराद वही हमारे कोर सब्जेक्ट साइंस मैथ्स इंग्लिश उर्दू और इसके अलावा कुछ आ, हमारे जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या माइनर सब्जेक्ट्स जिनको कहा जाता है कुछ स्कूलों में दे आर सोशल स्टडीज़ इस्लामियात अरेबिक पर्शियन आर्ट तो स्कूल के अंदर आम तौर पे हम यही समझते हैं कि ये चीज़ें पढ़ाई जानी हैं ठीक हम एग्री करते हैं कि स्कूल का पर्पज़ यही है कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए तो जब हम कहते हैं कि स्कूल्स का पर्पज ये है तो इन सब्जेक्ट्स में भी क्या पढ़ाया जाना चाहिए दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू सी एट द स्लाइड एंड एंड ट्राई टू दू आर दू क्वेश्चन ऑन द स्लाइड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट टू बी टॉट इन दीज सब्जेक्ट आर टीचर्स देयर टू फेसिलिटेट पीपल्स टू मेमोराइज डिफरेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड इन द बुक्स और द वन

सॉल्ट उसके ऊपर हमने कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दी कि एसिड ये होते हैं बेस ये होती है सॉल्ट ये होती है ये ये करेक्टरिस्टिक्स हैं हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने इनको याद करना है और उसी चीज को हम उनके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर असेस कर रहे होते हैं कि इन बच्चों ने कितना कुछ याद किया हुआ है अब दूसरी तरफ आ जाए कि हम बच्चों से क्लास के अंदर कैसी टास्क करवा रहे होते हैं रिजन टास्क कैसी करवा रहे होते हैं हम उनको क्लास के अंदर काम देते हैं कि चलो भाई ये वाला सवाल है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिया बच्चों से कहा कि इसका जवाब लिखें बच्चे अपनी बुक्स खोलते हैं और उसके अंदर टीचर्स निशान भी लगा देते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जवाब जो है आपने कॉपी करना है या कुछ उस्ताद उसको बोर्ड पे लिख देंगे और स्टूडेंट से कहेंगे कि ऑल राइट स्टूडेंट्स नाउ कॉपी इट फ्रॉम द बोर्ड और जो पीछे बच्चे बैठे हुए होते हैं अगर उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता तो वो बार बार ये पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे कौन सी लाइन आ रही है तो क्या हमारा पर्पज यही है स्कूल्स के अंदर अगर हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो क्या हम ये चाहते हैं कि वो बच्चों को वो वाले किताबें जो हैं वो जबानी याद हो जाए और उनके पास जो उनकी अपनी नोटबुक है वो एक किताब जो उनके पास मौजूद है उसका रेप्लिका बन जाए रेप्लिका बन जाएगा मतलब कि जो चीजें किताब के अंदर मौजूद हैं वही चीजें उन्होंने नोटबुक के अंदर अपने हाथ से लिख दी हैं अब क्या हम स्कूल के अंदर इन सब्जेक्ट्स को इन्हीं दो चीजों के लिए पढ़ा रहे हैं या कोई और मकसद है हम ये अज्यूम करते हैं कि जब हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें अगर हमारा फोकस ये सब्जेक्ट्स पढ़ाना ही है दी सब्जेक्ट आर इंपॉर्टेंट एंड आर एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑल स्कूल्स

इसकी मिसाल ये है कि अगर उनको कुछ डेफिनेशन किताब के अंदर लिखी हुई हैं तो वो बच्चों को पता चल जाए वो उनको डिफाइन कर सकें कुछ फैक्ट्स अगर दिए हुए हैं तो वो फैक्ट्स याद हो जाएं ये ठीक है ये एक रिक्वायरमेंट है लेकिन इस रिक्वायरमेंट के अलावा और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है दैट इज एप्लीकेशन लेवल कि हम बच्चों को जो भी कॉन्टेंट पढ़ाएं उनको उसकी एप्लीकेशन पता चलनी चाहिए उसका इस्तेमाल भी पता चलना चाहिए इसकी मैं एक एग्जाम्पल आपको यह देती हूँ कि आपने बच्चों को बता दिया कि मैप रीडिंग कैसे की जाती है आप बच्चों से सवाल करें कि मैप रीडिंग कैसे की जाती है उसका बच्चे जवाब दे देंगे लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो बच्चे मैप के अंदर से डिफरेंट लोकेशन को आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे हमें बच्चों को इस काबिल भी बनाना है कि वो मैप के अंदर जो उनके मैप रीडिंग की बात सीखी है उससे वो डिफरेंट लोकेशन को आइडेंटिफाई भी कर सकें इसकी एक और मिसाल में देती हूँ मैथ से मैथ्स के अंदर अल्जबरा के अंदर आप डिफरेंट फार्मूलाज याद करवाते हैं बच्चों को उस फार्मूला का जानना काफी नहीं है जब तक के आप उसको इस्तेमाल करके और आप कुछ सम्स जो हैं मैथ्स के वो हल ना कर लें अगर वो उनको आपको सम्स को सॉल्व करना नहीं आया तो फार्मूला जानने का क्या फ़ायदा हमें बच्चों को उस लेवल तक भी ले जाना होता है जहाँ पर बच्चे जो हैं जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई कर सकें एक नई सिचुएशन के अंदर इसके अलावा और क्या पर्पज़ हो सकता है कॉन्टेंट पढ़ाने का कॉन्टेंट के अंदर जो एक अच्छा स्कूल है वो ये डिमांड करता है कि बच्चे जो हैं हायर थिंकिंग लेवल्स जो हैं उनके ऊपर भी आ, उनको भी एक्वायर कर सकें वो सोच सकें जिसके अंदर हम अगले आंदा आने वाले लेसन के अंदर देखेंगे कि वो हायर थिंकिंग लेवल्स क्या है ब्लूम्स टेक्सोनोमी हम पढ़ेंगे और उसके अंदर जानेंगे हायर थिंकिंग लेवल्स क्या है जहाँ पे बच्चे एक्चुअली एनालाइज करना सीखते हैं जहाँ पे बच्चे सिंथिसाइज करना सीखते हैं जहाँ पे बच्चे एवेलुएट करना सीखते हैं तो ये बात हम तय करते हैं कि एजुकेशनल कॉन्टेक्स इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डिफरेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट इट इज नॉट अबाउट copying things from the board or book into notebooks educational context is much more than that actually it is about developing thinking skills among students it is about developing uh, creativity it is about de uh, developing questioning skills among students so iswakatha uh, khamne school context educational context ki lekin

डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग मौजूद होते हैं तो जब वहाँ पर लोग मौजूद हैं तो हमें ये देखना है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट होता क्या है और ये कैसे स्टूडेंट्स की लर्निंग को अफेक्ट कर रहा होता है हम सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बात करने से पहले एक स्टेटमेंट uh, के ऊपर गौर करते हैं ये स्टेटमेंट है जो कि सिंगापुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है एंड इट रीड्स एज वेलकम टू सिंगापुर

इस ये स्टेटमेंट ये शो कर रही है कि स्कूल्स के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ है वो उसका जो एसेट है वो उसकी बिल्डिंग नहीं है वो उसके अंदर मौजूद लैपटॉप्स या कंप्यूटर या मल्टी मीडिया नहीं है बल्कि लोग हैं और वहाँ पे टीचर्स आर एक्चुअली बाउंड टू डिवेलप सोशल कैपिटल ऑफ ऑफ द पीपल सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि सब का तो ये एक्चुअली आपकी जो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको किताबों के अंदर नजर आ रही होती हैं न्यूज़ पेपर्स के अंदर नजर आ रही होती हैं या आपके यहाँ पर जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस की है सिंगापुर एयरपोर्ट के ऊपर नजर आ रही है ये चीज़ें हमें बताती हैं कि उस मुल्क के अंदर स्कूल्स क्या कर रहे हैं वट इज़ द रोल ऑफ स्कूल्स इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं सोशल कैपिटल के हवाले से कैपिटल क्या होता है कैपिटल आपके एसेट को कहा जाता है सरमाए को कैपिटल कहा जाता है तो आपका सोशल कैपिटल क्या होगा इट इज समरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारा असासा है ये ये हमारा सरमाया है सोशल कैपिटल जितने ज्यादा किसी के कॉन्टेक्ट्स ज्यादा हैं जितने ज्यादा रिलेशनशिप्स ज्यादा हैं इसका मतलब है कि उस बंदे के पास सोशल कैपिटल ज्यादा है आपने सुना होगा कि वो शख्स कभी गरीब नहीं होता जिसके पास बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं वो हमारा सोशल कैपिटल होता है। स्कूल्स के अंदर क्या हम आइसोलेशन में रह सकते हैं? नहीं क्योंकि एक स्कूल्स की ग्रुप ओरिएंटेशन है वी नीड पीपल वी लिव विद पीपल नो वन कैन एक्चुअली लिव इन आइसोलेशन क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते एटमाइज तरीके से नहीं रह सकते तो उस्ताद का काम यह भी है कि वो बच्चे जिनका जीरो बैलेंस है जिनका एक या दो फ्रेंड्स हैं क्लास के अंदर और उनके साथ भी उनकी शायद प्रॉपर दोस्ती नहीं है हमें इस सोशल कैपिटल को इंक्रीज करना है अब हम ये देखते हैं कि सोशल कैपिटल को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है आमतौर के ऊपर क्या होता है कि टीचर्स आते हैं और क्लास के अंदर अपना लेसन प्लान करके आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स दे स्टूडेंट्स टू टू द टीचर एंड देन डू सम समन वर्क एंड देन दे जस्ट लीव अब उस सारी की सारी uh, इस सारी की सारी रूटीन के अंदर बच्चों के पास कब टाइम है कि जब वो किसी साथ वाले बच्चे के साथ भी बात कर सके इनफैक्ट दे एक्चुअली कम्युनिकेट और दे इंटरक्ट विद द विद अदर स्टूडेंट्स ओनली ड्यूरिंग ब्रेक टाइम और आफ्टर स्कूल आफ्टर स्कूल में भी बच्चों को लेने, लेने के लिए आगे होते हैं और उसकी वजह से वो बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं तो शायद उस वक्त में भी बहुत ज्यादा टाइम उनको नहीं मिलता एक दूसरे के साथ इंटरक्ट करने का सोशल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि क्लास के अंदर सोशल कैपिटल को इनक्रीज करें बाय ऑर्गेनाइजिंग सर्टन ग्रुप एक्टिविटीज और वहां पर बच्चों को बिठाएं उनको कहें कि ये वाली आपने instead of doing things alone, they they may actually communicate with each other. or in fact, they will increase their thinking skills also. social capital थिंकिंग increase होगा लेकिन साथ साथ उनकी thinking skills भी improve हो रही होंगी एक बहुत एक आम सी मिसाल ये है कि उस्ताद कई दफा में सवाल पूछते हैं बच्चों से और बच्चे जो हैं, दे आर एक्चुअली अनएबल टू आंसर दोज क्वेश्चन लेकिन वही वाले बच्चे अगर अपने साथ बैठे हुए बच्चों के साथ बातचीत कर लेते हैं दे आर इनफेक्ट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन तो उसताद जो है बजाय इसके कहें कि बच्चों को इंडिविजुअली ही काम करना है इंडिविजुअल काम करने से एक तो बच्चे जो हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो भी हाई नहीं होगा उनकी थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगी और दूसरी तरफ में उनकी जो है इंटरपर्सनल स्किल्स भी इम्प्रूव नहीं होंगी उनका सोशल कैपिटल भी इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं किस क्लास, क्लास के अंदर हम इंडिविजअल टीचिंग नहीं कर रहे क्योंकि स्कूल की ग्रुप ओरिएंटेशन है वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं और उनको हमने वन टू वन बेसिस के ऊपर नहीं पढ़ाना बल्कि हम सब के सब लर्नर्स हैं और वो हमारा जि, जितना एक बच्चे का हक ये है कि उसको टीचर टाइम दे उतना ही उसका हक ये है कि उसका पियर जो है उसके जो क्लास के अंदर बच्चे मौजूद हैं वो भी उसको टाइम दें और वो उनको टाइम दें आई वॉन्ट यू टू लुक एट दीडियो टू सी जिसमें आपने ये देखना है कि एक उस्ताद जो है वो किस तरीके से बच्चों का सोशल कैपिटल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एकेडमिक कंट्रोवर्सी आई एम गोइंग टू गिव यू एन एनवेलप इन व्हिच देयर इज मटेरियल रीडिंग मटेरियल वन स्ट्रिप इज़ फॉर बॉइलिंग वाटर एंड द अदर इज अगेंस्ट बॉइलिंग वाटर व्हाट यू आर गोइंग टू डू यू विल रीड योर स्ट्रिप विद पेयर एंड डिस्कस इट विद ईच अदर ओके टीचर okay? ने बच्चों को कहा है कि आप ग्रुप्स के अंदर काम करें बच्चों ने जब पूछा उस्ताद से कि कौन से ग्रुप्स में काम करें तो उस्ताद ने ये कहा कि आप अपनी मर्जी के ग्रुप्स बना सकते हैं

okay are you going to come first yes. okay to come mm -hmm. we think that boiling water is easy though costly as it kills germs and removes many impurities we think that we should use water from deep place through electric motor because that is naturally filtered instead of wasting fuel of boil water let's make a jigsaw group now Her jigsaw group may होम ग्रुप का एक एक मेंबर होगा लाइक फ्रॉम होम ग्रुप ए बी सी डी हर जिक्सा ग्रुप में हर मेंबर का हर ग्रुप का एक मेंबर होगा लेकिन दूसरे केस के अंदर उसी उस्ताद ने अपनी मर्जी से बच्चों के ग्रुप्स बनाए नाउ यू आर सिटिंग इन जिक्सा ग्रुप्स अब आपको ये करना है कि एक दूसरे के साथ अपनी रीडिंग शेयर करनी है पहले में जब उस्ताद ने यह कहा बच्चों को कि आप अपनी मर्जी के ग्रुप्स बनाएं तो बच्चों ने जो ग्रुप्स बनाए एक्चुअली देवर फ्रेंडशिप ग्रुप्स बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठने को तरजीह दी बहुत अच्छी बात है इससे भी आपका सोशल कैपिटल इंक्रीज होता है एंड चिल्ड्रन एक्चुअली लव टू वर्क विद देयर फ्रेंड्स लेकिन दूसरे केस के अंदर उसी उस्ताद ने बच्चों को डाइवर्स uh, ग्रुप्स के अंदर डाला मिक्सडबिलिटी ग्रुप्स बनाए वो इसलिए बनाए कि ताकि बच्चों ने हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ ही तो नहीं बैठना होता कई दफ़ा में आपको जो लोग पसंद नहीं होते उनके साथ भी काम करना पड़ता है तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों को ये सीखना चाहिए कि हाउ टू तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हाउ टू तो, सॉल्व प्रॉब्लम्स और इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं बच्चों की इनफैक्ट अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर उतनी इम्प्रूव नहीं होती हैं जितनी के अपने ओपोनेंट्स के साथ बैठ कर हो रही होती हैं तो वी नीड टू मेक स्टूडेंट्स लर्न दैट ऑल स्टूडेंट्स आर डाइवर्स एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स तो ये एक बड़ी अच्छी uh, एक एक्टिविटी हो सकती है जहां पे बच्चे ये सीखें अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में ये नहीं होता जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो जॉब्स पर जाते हैं जॉब्स छोड़ कर आ जाते हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं वो हमारी तरह नहीं सोचते या वहाँ पर लोग बड़े डिफरेंट हैं लोग डिफरेंट होते हैं हर जगह पे होते हैं और स्कूल का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को ये अपरचुनिटीज़ दे जहाँ पे वो ये सीख सकें कि मुख्तलिफ बच्चों के साथ मुख्तलि लोगों के साथ मुख्तलि तरह के लोगों के साथ कैसे काम किया जाना चाहिए अब मैं ये चाहती हूँ कि हम बात करें कॉलेजियल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इस वक्त तक हम दो चीज़ों पे बात कर चुके हैं एक था हमारा एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे हमने ये देखा कि किस किस्म की लर्निंग हमें स्टूडेंट्स को करवानी है और जो दूसरी चीज़ पे हमने बात की वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात की अब हम स्कूल के तीसरे कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं जो कि कॉलेजियल कॉन्टेक्स्ट है हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब उस्ताद हैं या उस्ताद बनने जा रहे हैं जब आप उस्ताद बनने जा रहे हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क विद अदर कॉलीग्स अदर कॉलीग्स के अंदर सिर्फ टीचर्स ही नहीं होंगे बल्कि वो सब लोग शामिल होंगे जो कि उस स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, चाहे आपका कस्टोडियन स्टाफ हो आपको सबके साथ काम करना पड़ेगा इससे पहले कि हम कॉलेजियल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करें आई वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट अपॉन फाइव स्टेटमेंट्स वन बाय वन हम इकट्ठे मिलके इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट ये है जो कि स्कूलों के स्टाफ रूम्स के अंदर से ये ली गई है ये पांचों स्टेटमेंट जो आपको नजर आएंगी आई हैव कलेक्टेड देम फ्रॉम डिफरेंट स्टाफ रूम्स पहली स्टेटमेंट है स्कूल बिजनेस इज नॉट डिस्कस्ड हेयर अगर ये स्टेटमेंट एक स्टाफ रूम के अंदर लिखी हुई नजर आई है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि स्कूल के मामला को उस स्टाफ रूम के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता या लोग पसंद नहीं करते कि स्टाफ रूम के अंदर बच्चों की बात की जाए टेक्स्ट बुक्स जो भी स्कूल पढ़ा रहा है उसकी बात की जाए बच्चों की परफॉर्मेंस की बात की जाए एग्जामिनेशन पेपर्स कैसे बनाए जाने चाहिए इस पे बात की जाए या क्लासरूम मैनेजमेंट के इश्यूज के ऊपर बात की जाए इसका मतलब ये है कि वो उस स्कूल के अंदर कॉलेजियल कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत वीक है कॉलीग्स आर नॉट सपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे तो स्कूल बिजनेस इज नॉट डिस्कस्ड और वो वहां पे लोगों ने लिख कर लगा दिया है कि प्लीज डोंट डिस्कस दिस थिंग ये स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है ये मैसेज है कि यहाँ पर स्कूल की बातें नहीं की जाएंगी हम जब किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाते हैं तो हमें लोगों से सीखना होता है जो सीनियर लोग होते हैं दे आर आवर एसेट दे आर आवर मैंटोर्स अगर वो वहां पर हमारे से डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे ग्रूम करेंगे हम प्रोफेशनली कैसे डिवेलप होंगे तो ये जो अभी हमने स्टेटमेंट डिस्कस की इसके अंदर ये नजर आता है कि वहां के लोग जो they are दे आर नॉट रेडी टू ग्रो दे आर नॉट रेडी टू ग्रो professionals. अब हम एक सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं जो कि एक और स्कूल के अंदर से ली गई है ये स्टेटमेंट है वी बिलीव इन शेयरिंग आइडियाज वर्क एंड फूड स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों को कहा जाता है कि अपना लंच शेयर करें लंच शेयरिंग सिर्फ लंच की शेयरिंग नहीं है बच्चे ये आदत सीखते हैं कि उन्होंने शेयर करना है एंड दे फाइंड प्लेयर इन शेयरिंग तो एक स्कूल जिसके अंदर ये स्टाफ रूम के अंदर ये लिखा हुआ है वी बिलीव इन शेयरिंग आइडियाज वर्क एंड फूड ये ये शो करती है कि हम अच्छे कॉलिग्स हैं क्योंकि हम ये आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं आइडियाज को शेयर करना इसलिए चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें हम वर्क हैबिट्स को शेयर करना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट का बायस हो और हम एक दूसरे से सीख सकें इसी तरीके से एक तीसरी स्टेटमेंट है विच स्टेट्स लेट्स एस्टेब्लिश अ लर्निंग कम्युनिटी अगेन इट शोज दैट द कम्युनिटी वर्किंग इन द स्कूल इज अ लर्निंग कम्युनिटी वी ऑल लर्न फ्राम ईच अदर अ टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्नर इन द क्लास अगर वो क्लास के अंदर सबसे अहम लर्नर है क्योंकि उसने सब बच्चों के रियलिटीज को जानना है बच्चे तो सिर्फ वो एक कॉन्टेंट सीख रहे हैं ना जो कि उस्ताद पढ़ा रहा है उस्ताद को तो सारे बच्चों की रियलिटीज को सीखना है कि कौन बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है उसका इंटलेक्चुअल अचीवमेंट्स क्या है अब तक और उसको कैसे उस उस्ताद ने इनहस करना है रिमेंबर कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स जिसमें ये था कि उस्ताद को एक अच्छा उस्ताद वो है हु एक्चुअली स्ट्राइव टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव ईच स्टूडेंट अचीव देयर मैक्सिमम पोटेंशियल तो उस्ताद जो है उसको तो हर बच्चे के मुतालिक सीखना है और एट टाइम्स वी आर अनएबल टू लर्न अबाउट द रियलिटीज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स वी नीड सपोर्ट ऑफ आवर कॉलिग्स

पहली स्टेटमेंट की तरह यह इंडिकेट करता है कि स्कूल बिजनेस इज नॉट डिस्कस्ड इन दिस स्टाफ रूम यह हमारा रिलैक्स करने का टाइम अबाउट प्रोफेशन वी नीड टू रेज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जब यह हमने लिख दिया कि रिलैक्सिंग टाइम वी आर नॉट मीटिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इवन हाउ कैन वी रेज प्रोफेशनल स्टैंड सो वेन वी टॉक अबाउट द कॉलेजियल कॉन्टेक्ट वी नीड टू इंश्योर दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम

स्ड आप हम वेबसाइट्स बना ली हैं टीचर एसोसिएशन्स ने बहुत सारे जो हैं आपके कोलेबरेटिव uh, इंक्वायरीज होती हैं रिसर्च हो रही होती है जो कि कोलेबरेटिवली हो रही होती है सो कॉलेजियल कॉन्टेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सो व्हेन वी दैट वी आर प्रोफेशनल्स वी नीड टू इंश्योर दैट वी मैक्सिमाइज दिस कॉलेजियल कॉन्टेक्सट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रो सो टूडे Two things we are going to revisit lecture objectives. The first objective was that by the end of the lesson you will have reflected upon the principles for professional behaviors. So we discussed two principles related to professional behaviors or uske reflect b kya जो दूसरी चीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी जो कि आज के लेसन का हिस्सा थी इट वॉज दैट बाई द एंड ऑफ द लेसन यू विल हैव एनालाइज्ड एजुकेशनल सोशल एंड कॉलेजियल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एंड वी हैव बीन एबल टू एनालाइज दिस थिंग्स. सो इन द नेक्स्ट लेसन वी विल एक्सटेंड ऑन ऑन दिस और हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें देखें जिनमें एफिकेसी की बात है टीचर्स टीचर्स लेवल ऑफ़ फंक्शनिंग आ जाएगा और कुछ और चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे uh, मुझे यकीन है कि आज के लेसन से आपने कुछ और आपके कुछ और कॉन्सेप्ट भी आज के लेसन में क्लियर हुए होंगे ख़ुदाफिज सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर